गाइस वेलकम टू माय चैनल। अभी अभी ओपन ने नया मॉडल लॉन्च किया है जिसकी अनबॉक्सिंग हम करेंगे। जो मॉडल है वो ओप्पो A74 5G है जो आपके सामने है, और इसमें राइट हैंड साइड देखा तो ओप्पो ICICI और लेफ्ट हैंड साइड देखा तो ओप्पो A54 की ब्रांडिंग है। नीचे कुछ नहीं है, ऊपर साइड देखा तो काफ़ी सारी डिटेलिंग है। बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलेगा सारी डिटेल है, बैटरी और रैम रोम कलर सभी डिटेल है। कलर की बात करूँ तो पर्पल और ब्लैक दो कलर में फ़ोन को लॉन्च किया गया है और 628 के वेरिएंट में लॉन्च किया गया है। इसका जो प्राइस रहने वाला है वीडियो के आखिर में मैं बताऊँगा। फटाफट इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन कर लेता हूँ मैं बॉक्स कट करके, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, और आप पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब किया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, और आप हमें कमेंट्स करें आपको वीडियो में जो भी कमी लगती है तो ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा कर सकें और आपके लिए बेटर वीडियो बना सकें। हमें आपके ओपिनियन का इंतज़ार रहेगा। बॉक्स ओपन कर लिया है मैंने। बॉक्स के अंदर मिनी बॉक्स है और इसके अंदर फ़ोन है। मिनी बॉक्स के अंदर देखते हैं हम तो मुझे यहाँ पे एक सिलिकॉन कवर मिलता है क्योंकि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का लग रहा है, जिसमें कैमरे के लिए अलग से जगह दी रखी है उठी हुई, तो काफ़ी ज़्यादा ये प्रोटेक्शन हमें देगा कैमरे में। कुछ यूज़र मेनू गाइड वगैरह और सिम इंजेक्टर टूल यहाँ पे है। फ़ोन हमारे हाथ में आ चुका है। फ़ोन जैसा मैंने बताया पर्पल और ब्लैक कलर में है, तो ब्लैक कलर में फ़ोन अवेलेबल है। काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रहा है फ़ोन हमें, काफ़ी ज़्यादा मुझे पसंद आ रहा है। इसका स्टिकर अलग हटा देते हैं हम। अभी देखते हैं फ़ोन की असली कंडीशन जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। और फ़ोन 177 ग्राम का है जो कि काफ़ी ज़्यादा स्लिम है, हैवी वेटेड फ़ोन नहीं लगता, और फिंगरप्रिंट सेंसर साइड में दे रखा हुआ है। फ़ोन को रिबूट कर लेता हूँ मैं, ऑन कर लेता हूँ, तब तक फ़ोन को फिजिकली देख लेते हैं हम फिजिकली क्या क्या है। बॉडी की बात करें तो पीछे ग्लास फिनिश में प्लास्टिक बॉडी है और जो ग्रिल है वो भी प्लास्टिक की ग्रिल है। अब साइड में देखें तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर और लॉक की ये दोनों एक ही है, और ऊपर साइड देखें तो फ्लैन है, और लेफ्ट हैंड साइड देखें तो सिम ट्रे लगी हुई है जिसमें दोनों सिम मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं तो वॉल्यूम की दी हुई है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन तरह से दिख रही है। अब नीचे साइड देखते हैं हम तो मेट फिनिश में हमें जो दिख रही है ग्रिल के अंदर स्पीकर पॉइंट दिया हुआ है, या माइक का पॉइंट दिया हुआ है, और इसके साथ साथ सी टाइप चार्जिंग पॉइंट दिया हुआ है, और 3.5 mm का हेडफोन जैक है जिसमें हम हेडफोन लगा के गाने वगैरह सुन के हेडफोन यूज कर सकते हैं। फ़ोन को मैं ऑन कर लेता हूँ और जाते हैं इसके डिस्प्ले और बाकी सारी वेराइटी की बात करूँ ना, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव कलर है, और जो देखा जा रहा है डिस्प्ले का जो साइज़ है 6.5 इंचज़ की फुल HD+ डिस्प्ले है जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है पंच होल कैमरे के साथ में। और डिस्प्ले की बात करूँ ना मैं तो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, और 90Hz की डिस्प्ले है ना तो उसका एक मज़ा ही अलग है, और स्मूथनेस भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो इसकी डिस्प्ले जो है इसको 10 में से 9 पॉइंट मिलेंगे। रेटिना बॉडी पे देखें तो हम 90.05 का रेटिना है यहाँ पे, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा रेटिना है डिस्प्ले में। और इसके साथ में पिक्सल की बात करें तो 2400x1050 का डिस्प्ले में पिक्सल कैम कलर वगैरह दिए हुए हैं जो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन और एट्रेक्टिव है, और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी डिस्प्ले है जो 90Hz में हमें मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लुक दे रही है। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पर 2G फ़ोन में नेटवर्क नहीं आएगा, 3G 4G और 5G तीन नेटवर्क में फ़ोन चलेगा। यहाँ से 2G एग्जिट कर दिया गया है, और वैसे भी अभी आजकल 2G सिम कौन चलाता है, इसमें 4G और 5G ही सिम यूज़ करेंगे हम ज़्यादातर। अब इसमें और भी ज़्यादा आगे देखें डिटेलिंग हम तो कैमरे की डिटेलिंग देख लेते हैं। जो कैमरा दिया हुआ है पीछे वो हमें 48 MP का कैमरा दिया हुआ है जो रियर कैमरा है। इसके बाद में जो दूसरा कैमरा है वो डीप सेंसर कैमरा है वो 2 MP का, और एक और माइक्रो कैमरा दिया है। यहाँ पे हमें अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा नहीं दिया जो मुझे कम लगता है थोड़ा। फ्रंट में कैमरे की बात करें तो 8 MP का फ्रंट कैमरा है, वो भी मुझे थोड़ा कम लगता है क्योंकि 5G फ़ोन है और रेंज कुछ 15,000 के ऊपर है, लेकिन फिर भी अभी भी उसमें फ्रंट में 8 MP कैमरा है तो वो थोड़ा मुझे कम लगता है। बैक कैमरे की बात करें तो काफ़ी सारी यहाँ पे सेटिंग दी हुई है, टाइमर दिया हुआ है, ऑन ऑफ करने की सेटिंग दी हुई है, साइज़ दिया हुआ है डिस्प्ले का, AI क्वालिटी दी हुई है, इसके साथ में HRD मोड दिया हुआ है, ऑन ऑफ ऑटो जैसे भी हमें करना है, उसके बाद में यहाँ से कलर चेंज हो जाएंगे, ये बहुत सारे फंक्शन दिए हुए हैं। अब और भी फंक्शन की बात करूँ तो मैं नीचे जो है नाइट मोड दिया हुआ है, नाइट मोड में भी है ना इसमें मैं देखूँगा तो बहुत अच्छा जूम हो जा रहा है और बहुत ही अच्छी क्लैरिटी में चल रहा है। बैक साइड कैमरे को देखा जाएगा ना तो बैक साइड जो कैमरा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में काम कर रहा है, जिसे हम 10 में से 9 पॉइंट देंगे। वीडियो में भी
हम जूम वगैरह कर सकते हैं और कलर चेंज कर सकते हैं। अब फोटो में आ जाते हैं तो फोटो में भी हम बहुत सारी सेटिंग है, पनोरामा है, पनोरामा के बाद बैक कैमरा में देखा जाए तो मोर के अंदर जहाँ देखेंगे हम तो अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं मिलेगा हमें, फिर भी बाकी सारी सेटिंग है यहाँ पे अवेलेबल है, एक्सपर्ट मोड अवेलेबल है और यहाँ पे पनोरामा भी है, स्लो मोशन, टाइम लैप्स और भी कई सारी माइक्रो स्टिकर वगैरह बहुत सारी सेटिंग अवेलेबल है। और जो कि हम फ्रंट कैमरे में अब देखते हैं हम तो फ्रंट कैमरे में बहुत सारी सेटिंग है मोर के अंदर गायब हो जाती हैं, टाइम लैप्स, पनोरामा और स्टिकर ही रह जाता है। तो ये थोड़ा मुझे कम लगता है कि अब बैक साइड कैमरे में ज़्यादा सेटिंग और फ्रंट साइड कैमरे में कम सेटिंग वगैरह है, लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो फ्रंट कैमरे का जो है लुक 8 मेगापिक्सल वो थोड़ा कम लगता है। अब मैं उससे फ़ोटो लेकर थोड़ा बताता हूँ। फ्रंट कैमरे की फ़ोटो है जो डिटेलिंग के में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा ब्लर हो जाती है और फ्रंट कैमरे कोई खास ज़्यादा अच्छी जूम करने पर क्वालिटी नहीं आ रही है, लेकिन बैक कैमरे की फ़ोटो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। तो मैं कहूँगा कि कैमरे में या फ्रंट कैमरे में 10 में से 5 या 6 नंबर मिलेंगे, लेकिन बैक कैमरे में इसको हमें 10 में से 9 नंबर देंगे। कैपेसिटी की बात करूँ तो फ़ोन की बैटरी कैपेसिटी 5000 mAh है, लेकिन हमें दिन भर बढ़िया बैकअप देगी और जो इसका चार्जर है जो एडाप्टर दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये 18 वाट का एडाप्टर है, एक घंटे मतलब 60 मिनट 65 मिनट में फ़ोन पूरा चार्ज जाएगा। लेकिन इसके बैटरी का जो है रिव्यू वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आ रहा है और यहाँ पे बैकअप वगैरह बैटरी का बहुत ही अच्छा दिया हुआ है। वर्जन के बारे में बात करेंगे, इसका एंड्रॉयड वर्जन जो है 11 का है, जो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन है। और प्रोसेसर की बात करेंगे हम तो प्रोसेसर में इसकी बहुत सारी डिटेलिंग है। प्रोसेसर जो है इसका क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 480 का 5G प्रोसेसर है, जो कि 650 mAh पे रन होगा, जो कि 5G है और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल 2 GHz ऑक्टाकोर प्रोसेसर है, जिससे हमें गेम वगैरह खेलने के लिए काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी यहाँ पे। और सेटिंग में देखते हैं हम तो काफ़ी ज़्यादा डिटेलिंग वगैरह यहाँ मिल जाती है, स्टोरेज भी मिल जाता है 128 GB है, लेकिन हमें यहाँ 109 GB ही अवेलेबल मिलता है, बाकी सब जो है इसके सेटिंग वगैरह में और ऐप्स में चला गया है। और फ़ोन का जो प्राइस रहने वाला है वो बताता हूँ मैं, 6128 के वेरिएंट में 17,990 प्राइस है यहाँ पे। वो कंपनी ने बहुत ही कम रेट में, बहुत ही अच्छे रीजनेबल रेट में फ़ोन का प्राइस रखा हुआ है। इसमें हम देंगे 7 से 8 अंक मिलेंगे हमें फ़ोन के प्राइस को लेके। बॉडी क्वालिटी और बाकी सबको देखे मैंने, सभी में रेटिंग की हुई है। वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर हमें बताएं, और वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो में जो भी कमी लगती है आपको चैनल को आगे बढ़ाने के लिए वो हमें ज़रूर बताएं। आपके ओपिनियन का हमें वेट रहेगा और वेलकम है आपके ओपिनियन का, तो हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो अच्छा बनाने के लिए और भी क्या बेटर हम करें। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे। बाय बाय।